अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू रिफ्लजेंट पब्लिक स्कूल ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 केमिस्ट्री एंड द टाइटल इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट सम टाइप्स ऑफ द बॉन्ड एंड सम टाइप्स ऑफ characteristics of the molecular structures. So in our most previous lecture we have learned about some types of intermolecular forces that bonds that form the bond. So here we discuss about nature of bonding and properties. So properties of compound depend upon nature of bonding present in them. They are the following: ionic compounds, covalent compounds, coordinate covalent compounds and metals. मतलब कि हमारे पास किसी भी compound की जो properties हैं उस nature पे depend कर रही होती हैं, जिस nature से वो आपस में attach हैं। मीन टू से डैट कि हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल जिन्होंने आपस में बॉन्डिंग की हुई है, उनमें कौन सी ऐसी नेचर है या उन दोनों बॉन्ड्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर ये मॉलिक्यूल आपस में अटैच हैं और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल को। क्लियर? सो हेयर वी फर्स्टली डिस्कस अबाउट द आयोनिक कंपाउंड। दीज आर द मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आइन, दस दे आर कंसिस्ट अप ऑफ आइन्स एंड नॉट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब हमारे पास जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो मॉलिक्यूल पे नहीं मुश्तमिल होंगे, वो मॉलिक्यूल के नहीं बने होंगे, बल्कि वो हमारे पास आइन्स के बने होंगे। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। दीज आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आइन्स एंड आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड और क्रिस्टल फॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्टिव फोर्सेज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्टिव फोर्स होगी दोनों में जो इसको क्लोजली बाउंड रखेगी। सो जब भी हम लोग आयनिक स्ट्रक्चर की स्टडी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास टेबल सॉल्ट NaCl का आता है। NaCl जो है ये हमारे पास क्रिस्टलैटिक्स मतलब कि इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर देता है, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जो साइज में बड़े मॉलिक्यूल हैं, वो हमारे पास क्लोरीन के हैं, जो कि हमारे पास जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रो नेगेटिव आइन है। और सेकेंड जो हमारे पास है वो ऑरेंज कलर का जो आपको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि इस तरह से ये क्रिस्टलैटिक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होता है? प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ इस तरह है: दे आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। इन सॉलिड स्टेट दे हैव निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टन फॉर्म। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो है वो सॉलिड स्टेट में निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं और गुड कंडक्टर भी होते हैं सोल्यूशन में, और इनकी प्रेजेंस किस वजह से ये होते हैं, मोल्टन स्टेट में भी गुड कंडक्टर होते हैं, ड्यू टू फ्री आयंस। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डिसॉल्व इजीली इन पॉलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। जितने भी पॉलर सॉल्वेंट होंगे उसके अंदर ये इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रोस्टेटिक इंट्रैक्शन है, जो इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनके पॉजिटिव और नेगेटिव करेक्टर के ऊपर ओवरकम हो जाती है और उसको ब्रेक डाउन कर देती है। इसलिए उनके ब्रेक डाउन ईजिली वाटर में, ब्रेक डाउन की वजह से ये वाटर में रेडियली सॉलेबल हो जाते हैं। सो देयर इज़ द कोवेलेंट कंपाउंड। द कोवेलेंट कंपाउंड इज़ फॉर्म ड्यू टू मैच्योर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम्स। इट इज़ जनरली वीकर देन आयोनिक बॉन्ड के निस्बत कमज़ोर होते हैं। लोअर मॉलिक्यूल मास कोवेलेंट कंपाउंड आर गैसेस और लोअर बॉइलिंग लिक्विड्स। दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉट सॉलेबल इन वाटर एंड रेडियली सॉलेबल इन नॉन एक्वस मीडियम सच एज ईथर, बेंजीन, अल्कोहल। मीन्स के ये हमारे पास जो है कोवेलेंट कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व नहीं होंगे, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होंगे, बल्कि हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग प्रेजेंस है उसमें ये रेडियली डिजॉल्व हो जाएंगे। लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कोवेलेंट क्रिस्टल विच आर स्टेबल एंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये भी कुछ टाइम पे हमारे पास क्रिस्टल के फॉर्म में पाए जाते हैं जिनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है।
सो पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड. पोलैरिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग एटम्स. नॉन पोलर डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर व्हाइल पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर. जितने भी नॉन पोलर्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे और जितने भी पोलर हैं वो रेडियली डिजॉल्व हो जाएंगे वाटर में. नॉन पोलर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल पोलर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय डिसोसिएटिंग आयंस. मतलब कि जितने भी नॉन पोलर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी पोलर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास जो हैं जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो इजीली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे. तो इनकी डिसोसिएशन प्रॉपर्टी की वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली. सो हेयर इज द अनदर प्रॉपर्टी अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स. दे प्रॉपर्टीज़ आर मोस्टली सिमिलर टू डैट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एज दे आर फॉर्म बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर. इनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होती है कोवलेंट कंपाउंड के, मतलब कि नॉन पोलर में ये इजीली डिजॉल्व होंगे. सो दे आर एज दे फॉर्म बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर. शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल मैचुअल या इक्वल शेयरिंग होती है, इस वजह से इसमें जो है हमारे पास ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते. ड्यू टू देयर कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. मतलब जितने हाइड्रोकार्बन्स वाले सॉल्वेंट्स हैं उसमें ये अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं. एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर. यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड विद अ डाइपोल. आम तौर पे ये जो कंपाउंड हैं ये रिजिड स्ट्रक्चर के होते हैं और डाइपोल बनाते हैं. डाई का मतलब होता है टू एंड पोल का मतलब होता है किनारे. मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो यूजुअली इस फॉर्म में होगा कि इसके टू जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्नर्स बनेंगे जब ये स्ट्रक्चर की या एक कंप्लीट कंपाउंड की फॉर्म में होगा. सो हेयर वी डिस्कस द अनदर टाइप विच इज़ द लास्ट वन इज़ द मेटल्स. ठीक है, अब हम मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो एज़ यू स्टडी अर्लियर के ऑल द मेटल्स हैव द पॉजिटिव चार्ज, एक्सेसिव ऑफ पॉजिटिव चार्ज. मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इट गिव्स दैम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज. मेजर प्रॉपर्टीज आर फॉलोज. दे शो मेटेलिक लस्टर. इनकी चमक होती है हर मेटल की. मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटल कैन बी होल्ड इन शीट्स. ठीक है, मतलब आप मेटल्स को शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है. डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू एज अ मेटल कैन ड्रॉन इन टू वायर्स. दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉयलिंग पॉइंट्स. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स एंड लिक्विड स्टेट ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन. मतलब कि ये जितने भी हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं. और इनकी ये प्रॉपर्टी जो है वो इस वजह से ही होती है क्योंकि इसके अंदर एक्सेसिव ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. मतलब कि जितने ज़्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी इसकी प्रॉपर्टी खास इसीलिए होगी कि इनकी स्पेसिफिक चमक भी है. इसको हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर में जब जो कोई भी कंपाउंड्स हैं या कोई भी एटम है वो टाइटली क्लोज नहीं होंगे, उनमें डिफरेंस होगा, उनके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होगी, तो उसको हम लोग किसी भी शेप में ढाल सकते हैं. ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल्स जो हैं वो अपना स्पेसिफिक करेक्टर रखती हैं.